सब्सक्राइब कीजिए यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं। इस पे कहीं किसी की नजर ना लग जाए, कहीं कोई ऐसा व्यक्ति हमारे लोगों के बीच में दबाव पैदा करने की कोशिश ना करे। मैं अपने सभी अधिकारियों का, बंदीबंदों का और प्रधानमंत्रियों का सभी का अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। 11-12 बजे करीब उठाते हैं और 4 बजे के करीब जमन मस्जिद में वहीं पर समाप्ति कर लेते हैं। सभी हम सब काम करते हैं। मैं अपने स्तर पर का अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ, सभी अधिकारियों करता हूँ, सभी नौजवान बुजुर्गों का करता हूँ। जो एक समस्या थी बहुत जटिल, हमारे सारे साथियों समस्या बेचारे निगमित काल की गाली दे रहे, रिश्ते आना और निश्चित तौर से हम लोग आपका पूरा सहयोग करेंगे जिले के अधिकारियों का, और ऐसा आप पूरा विश्वास बना रहे हैं हम विश्वास करें। हमेशा कुछ ना कुछ आपको बदलाव किया जाता है, शांति का माहौल चल रहा है, मेरा निवेदन है उस गाँव में हमेशा गोवंश की हत्या भी करते समय सभी जगह रहते, पूरे जनपद में रहते तो त्योहार भी अच्छा गुजरेगा और पूरा जिले का माहौल शांत रहेगा। प्रदेश में एक ऐसी इतिहास है मेरे, जब मैं सभी भाइयों को बतलाना चाहता हूँ कि कोई भी त्योहार हमारे यहाँ एक मिसाल कायम है, हमारे यहाँ बहुत ही अच्छी एकता है। मैं सभी क्षेत्रवासियों से कहूंगा कि इसी तरह की एकता है। मीटिंग के अध्यक्ष हमारे जिलाधिकारी महोदय, SP साहब, SP और सभी थानों के अध्यक्ष। यूपी ताजा न्यूज चैनल को और घंटी को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आप तक खबरें पहुंच जाएं।